तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जोर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 200 के सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है हम लोग, तो सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा ताकि इस माइलस्टोन को हम लोग जल्दी से अचीव कर पाए। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर RS 400 के बारे में। वैसे ये सब जो अपकमिंग बाइक्स होती है जिन पे कंपनीज ने खुद कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया होता है कि ये सब बाइक्स कभी लॉन्च करेंगे कि भी नहीं वो लोग इंडियन मार्केट पर, तो ये सब बाइक्स पे मेरे को वीडियो बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन काफी लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ रखा है कि भाई RS 400 कब लॉन्च हो रही है, तो मैंने सोचा कि सभी लोगों को एक एक साथ रिप्लाई करने से बढ़िया यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे बना दिया जाए कि क्या कंडीशन है अभी इस बाइक की और क्या ये बाइक का अभी स्टेटस है, कब ये बाइक लॉन्च हो रही है, हो भी रही है कि नहीं, और होगी तो क्या क्या फीचर्स देखने को हम लोगों को मिलेंगे। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। साथ ही में अगर कोई और बाइक रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि R15 वर्जन 4 की तरह ये जो बाइक है कभी भी इसको डिस्प्ले ही नहीं किया गया। जैसे R15 वर्जन 4 को तो आज तक यामा वाले लोगों ने खुद डिस्प्ले नहीं किया, खुद उसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों के मन में वो बाइक लॉन्च हो गई है। तो पल्सर RS 400 के साथ वैसे यहाँ पे थोड़ा सा केस उल्टा है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने इसका जो कॉन्सेप्ट मॉडल है वो लोगों को दिखाए रखा हुआ है, मतलब इस मॉडल को लोगों के बीच में डिस्प्ले करवाए रखा हुआ है। और वही कंपनी ने यहाँ पे ऐसा भी बोला है कि इस टाइप के मॉडल पे वो लोग काम कर रहे हैं। और पल्सर फैन बॉयज आगे वाली मेरी बात को सुनकर बहुत ज्यादा भी खुश होने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि अगस्त में ये जो बाइक है इसका जो ग्लोबल डेब्यू है वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ग्लोबल डेब्यू जो है वो इंडिया में नहीं होगा, कंपनी इसको ओवरसीज में इसकी जो डेब्यू है वो करेगी। पहले RS 400 जो ये इंटरनेशनल मार्केट में सेल होगी, उसके बाद अगर बजाज को मन करता है कि इस बाइक को अपने इंडियन कस्टमर्स लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तब हो सकता है कि कंपनी इस बाइक को इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पल्सर है ये इंटरनेशनल मार्केट में पल्सर नाम से नहीं सेल होती, ये सेल होती है राउसुर नाम से। तो वैसे ये बोलना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि जो पल्सर RS 400 का टेस्ट है ये हम लोगों से पहले पुर्तगालीज और स्पेनिश लोग ले लेंगे, क्योंकि बजाज पल्सर सीरीज की जो बाइक्स ये 15 से भी ज्यादा कंट्रीज में सेल होती है। और वही मैंने आप लोगों को बताया भी रखा हुआ है कि जो बजाज है वो इंडिया की नंबर वन एक्सपोर्टर्स है व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स। तो भले सेल्स के मामले में हीरो और होंडा आपको आगे देखने को मिले, लेकिन जब भी एक्सपोर्ट की बात आती है तो बजाज को यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। तो वही जैसा अभी यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोला कि पल्सर RS 400 को कंपनी ने ऑलरेडी लोगों को दिखाया हुआ है, ऑलरेडी इस बाइक की जो मॉडल है उसको डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो अब आप लोग में से बहुत को यहाँ पे पूछो कि कब कंपनी ने ये वाली मॉडल को दिखा दिया, भला कब तुमने देख लिया कि RS 400 को कंपनी ने डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 7 साल पहले जंप करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा 2014 के ऑटो एक्सपो में, जब बजाज ने पहली बार दिखाया था कि वो लोग 2 400cc की बाइक्स पे काम कर रहे हैं, जिसका नाम था पल्सर SS 400 और पल्सर CS 400। तो CS 400 तो वही वाली बाइक है जो कि आज के डेट में आपको डोमिनर के नाम से मार्केट में मिल रही है, लेकिन SS 400 के बदले कंपनी ने 2015 में RS 200 लॉन्च कर दिया। तो वैसे बजाज पल्सर RS 200 जो कि करेंटली मार्केट में सेल हो रही है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, इसके हिस्ट्री पे मैंने बना दिया जो कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे। तो ये वीडियो की जो लिंक है हो सके तो ऊपर आपको आई बटन में मिल रही होगी, या फिर आप लोग डायरेक्टली चैनल पे विजिट करके ही देख सकते हो, क्योंकि वाली जो वीडियो एकदम रिसेंट मेरी अपलोड है, जिसकी वजह से आपको खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये आती है कि 7 साल गुजर गए, लेकिन 7 साल में अभी भी कंपनी ने यहाँ पे पल्सर RS 400 को लॉन्च नहीं किया, तो भला कंपनी ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे का यही रीजन है कि जैसा अभी आप लोग जानते हैं कि बजाज के पास ऑलरेडी उनकी 400 लाइनअप में उनकी डोमिनर 400 अवेलेबल है, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी सेल होती है। ऊपर से उनके पास KTM का भी पार्टनरशिप में हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से KTM RC 390, Duke 390 भी अगर सेल होती है तो इनडायरेक्टली बजाज को इससे फायदा होता है। तो जब बजाज के पास ऑलरेडी 3-3 बाइक इस लाइनअप में पड़ी हुई है, तो बजाज को भी यहाँ पे लगता है कि भला क्या जरूरत है चौथी बाइक को इस लाइन में डालने के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात होगी सिर्फ इंडियन मार्केट की, लेकिन जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि बजाज और KTM का जो पार्टनरशिप है सिर्फ ये इंडियन मार्केट के लिए है, बात बाकी इंटरनेशनल मार्केट में KTM अलग ऑपरेट करती है, बजाज अलग ऑपरेट करती है। और वहीं ऊपर से दूसरी बात ये है कि पल्सर सीरीज जितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती है उतनी डोमिनर जो बाइक है उतनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से पल्सर सीरीज के पास यहाँ पे कोई ऐसी 400cc बाइक ही नहीं है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सके R3 से, CBR 250 RR से, सुजुकी GSX 250 से, Ninja 300 से, या फिर आप लोग बोल सकते हो KTM RC 390 से। तो ये सब टाइप्स की बाइकों से कॉम्पीट करवाने के लिए बजाज के पास उनकी पल्सर सीरीज में कोई बाइक ही अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी की वजह से बजाज को लगता है कि पहले इंटरनेशनल मार्केट में जरूरत है पल्सर RS 400 को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जस्ट दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो बजाज है वो इंडियन मार्केट में तो काफी अच्छी परफॉर्म करती है, ऊपर से ऑलरेडी इस वाली सेगमेंट में इनके पास बाइकें भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ जब इंटरनेशनल मार्केट की बात आती है तो बजाज जो है यहाँ पे पीछे हट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बजाज का भी सोचना गलत नहीं है, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले जो कंपनीज है वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट देखती है, तो इसलिए ये वाली जो बाइक है कंपनी पहले उसको लॉन्च करने जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अब वैसे इंटरनेशनल मार्केट से मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट कंट्री तो नहीं पता है कि पहले वैसी कौन सी कंट्री होगी जहाँ पे बजाज अपनी RS 400 का ग्लोबल डेब्यू करेगी,
तो वैसे ये चीज़ तो मेरे को बहुत जल्दी पता चली जाएगी कि आर एस 400 का जो टेस्ट है वो पहले कौन सी कंट्री वाले लोग लेंगे। तो वैसे अगर आप लोगों को भी जानना है कि आर एस 400 का जो डेब्यू है वो कौन सी कंट्री में होने वाला है, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बाइकिंग वर्ल्ड ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि यूट्यूब पे उतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है आपको सट अपडेट देने के लिए। इंस्टाग्राम में स्टोरीज की मदद से ये अपडेट वाली काम हो जाती है। तो अगर आप लोगों को भी सबसे पहले अपडेट्स जानना है ऑटोमोबाइल वर्ल्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये क्या क्या नई फीचर्स आपको देखने को मिल सकती है आने वाली न्यू बजाज पल्सर आरएस 400 के साथ। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इंजन की। तो यहाँ पे वैसे इंजन पे आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठिए कि जो इंजन होगा आपको इस बाइक के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, इतना मिलेगा कि इस सेगमेंट की जितनी जो बाइक है सभी को धूल चटा देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज आपके लिए सोचना गलत है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये वाली बाइक में जो इंजन होगा वो डोमिनर 400 वाली देखने को मिलेगा, 1 BHP या फिर 1.5 BHP ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। उससे ज्यादा आप लोग उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो बाइक है सबसे पहली बात की आपको इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कम रेट में देखने को मिलेगी। डोमिनर 400 से भली महंगी देखने को मिले हल्की फुल की, लेकिन इस सेगमेंट में जो सेकंड मोस्ट चीपेस्ट बाइक होगी वो आपको यही बाइक देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे फिर वही बात होगी कि जितना पैसा उतना काम। तो अगर आपको यहाँ पे कंपनी कम प्राइस चार्ज कर रही है इसी के सेगमेंट की कोई दूसरी बाइक से, तो यहाँ पे कुछ चीजें तो आपको कम देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन ये है कि इस वाली बाइक का जो इंजन है कंपनी उसको ट्यून और अच्छी तरीके से करेगी, जिसकी वजह से इसकी एक्सलेशन और ज्यादा अच्छी हो जाए और इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो बाइक है डोमिनर 400 से आपको ज्यादा तेज देखने को लगेगी। और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलने लगेगा, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलेगा जो अभी आपको नहीं मिलता है। डुअल चैनल ABS तो अभी फिलहाल के लिए आ गया है, तो ये आपको RS 400 के साथ भी देखने को मिलेगा। LED डे टाइम रनिंग लैंप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि हर बाइक में आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स आ गए हैं जिसको DRL बोलते हैं। फिर आपको इसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप ज्यादा चांसेस है कि वो अभी भी देखने को मिलेगा, कंपनी उसको चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है बजाज पल्सर RS सीरीज का ये एक तरह का इनका ट्रेडमार्क बन गया है। तो RS 200 में भी आपको यही ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है और RS 400 में भी ज्यादा चांसेस है कि यही मिलेगा। अब यहाँ पे आपको LED टेललाइट्स देखने को मिलेगी जैसे कि RS 200 में आती है। फिर LED टर्न सिग्नल देखने को मिलेगा जो कि अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है RS 200 के साथ भी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको अपडेट देखने को मिलेगी इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा उसको फुल डिजिटल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जो कि आपको RS 200 में नहीं मिलती है। तो जैसे डोमिनर 400 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन शो होता है, वैसे इसके भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको फीचर्स शो होंगे, वैसे ही यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और वही दोस्तों, ये जो न्यू वाली RS 400 आएगी कंपनी इसके डिजाइन लैंग्वेज में भी हल्की फुल की चेंजेस करेगी, इसमें थोड़ी बहुत ट्विक करेगी जिसकी वजह से इसकी जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो है हाई स्पीड पे और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी और अच्छी तरीके से विंड भी कट करेगी। और ये चीज़ कंपनी को करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक 400cc की बाइक कंपनी अगर लॉन्च कर रही है तो ये चीज़ कंपनी को जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एकदम हाई स्पीड पे स्टेबल रहनी चाहिए, उसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। और इसी बाइक की सिबलिंग डोमिनर 400 की तरह इस बाइक में भी आपको फ्रंट में USD फोक्स देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक के बजाय। और वहीं अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर ले तो अगर RS 400 इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो ये जो बाइक है ये कॉम्पीट करेगी TVS अपाची RR310 से, BMW G310R से, GS310 से, KTM Duke 390 से, KTM RC390 से, Honda CB300R से। तो ये सब कुछ बाइक्स ये जो बाइक इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी। और वहीं यहाँ पे मैंने निंजा 300R3 का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बाइक की प्राइस है वो सब बाइक जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिकती है, काफी ज्यादा वो महंगी सेल होती है, तो RS 400 की जो प्राइस है उनसे काफी ज्यादा कम रहने वाली है। लेकिन हाँ, अब अगर हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्राइस के ही बारे में बात करें कि इस बाइक की प्राइस कितनी होने वाली है, तो दोस्तों इस बाइक की जो प्राइस है वो 2 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच में होगी। मतलब ये जो बाइक है ज्यादा से ज्यादा आपको 2,40,000 या फिर 2.5 लाख रुपए तक मार्केट में ऑन रोड में देखने को मिल जाएंगे। तो एनीवेज, ये बाइक जैसे ही ग्लोबल डेब्यू का अगर डेट सामने आता है, कभी भी ये जो बाइक है अगर लॉन्च होने जा रही होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोगों को जानना है कि ये बाइक कब मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो जहां पे हम लोगों ने बात की बजाज पल्सर RS 400 के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।